तो आज आया है एक फ्लिपकार्ट की तरफ से मैंने मंगाया है एक पजल की सीरीज। देखते हैं इसमें क्या है। पहले पैकिंग पैकिंग तो बहुत अच्छी नहीं है भाई साहब, यहाँ पे निकला हुआ, बट ठीक है। अंदर डैमेज जो बॉक्स है वो तो ठीक ही लग रहा है, देखते हैं निकाल कर। ओके ये अटक रही है, एक मिनट दिखता हूँ मैं इधर से। तो ये मैंने मंगाया है इमेजी मेक की तरफ से है, जिसमें मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया का पजल है, जैसे ताजमहल, चार मीनार, इंडिया गेट, ये सब का मैं ये पजल है और इसे सॉल्व करके 3D बनाना। तो ये रहा मैपोलॉजी, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे मोनूमेंट ऑफ इंडिया का दिया हुआ है, और जैसे ताजमहल हो गया। तो इसमें हमें बिल्ड करना रहता है, इसमें तोड़ कर जुड़ने वाला, ये सब देखते हैं इसे, फिर अनबॉक्स करते हैं, पहले इसके रैप को हटा देते हैं। फिर ये रहा खुल रहा है और ये हट गया, तो अब इसे कहाँ से ओपन करना है देखते हैं। ये भाई साहब कहाँ से होगा, हाँ तो ये यहाँ से देखिए हो गया, तो निकालते हैं इसमें। तो ये निकला है, निकल जा भाई। तो ये रहा, वाह। और ये देखिए अंदर तो कुछ नहीं है, उठाते हैं इसे। तो ये एक प्लास्टिक में ये छोटे छोटे झंडे दिए गए हैं प्लास्टिक के, और ये फिर इसमें ताजमहल आगरा ये सब लिखा हुआ है। और ये रहा बुकलेट कह सकते हैं, इसमें आपको दिया गया किस तरह से आपको बनाना है, जैसे कुतुब मीनार है यहाँ दिख रहा है, चार मीनार, ये सब आपको इसमें किस तरह से निकाल कर बनाना है। ये देखिए ये रहा वो महल, हवा महल का दो पीस, उसके बाद सन टेम्पल, ताजमहल, ये रहा गोल्डन टेम्पल का है जिसे बनाएंगे हम, ये ताजमहल का, रेड फोर्ट, दोनों इसी में है। अच्छा ये सब मिक्स है एक साथ, इसे सब अलग अलग करके हमें जोड़ते जाना है। मुझे लगा था कि काफ़ी हार्ड कार्डबोर्ड होगा, बट नहीं, ये तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और बट है ठीक। जैसे जब 3D में बनाएंगे तो मजा आएगा। ये ताऊ भाई, ये तो ताजमहल का होगा भाई, सिंपल सा वाइट है, ताजमहल का होगा। और ये रेड फोर्ट आई थिंक होना चाहिए, नहीं रेड फोर्ट तो नहीं है, लिख रहा है चार मीनार। अच्छा चार मीनार का है ये, देखना है कार्डबोर्ड की मोटाई आप देखिए, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है।